खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जोधपुर भारत वाहिनी पार्टी के विकास ने अपने समर्थकों के साथ सुरसागर विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया। जोधपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र दवे की खास रिपोर्ट। आज विधानसभा सुरसागर से मैंने भारत वाहिनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। जनता के बीच में लगभग 17 वर्षों से जा रहा हूं, स्थानीय समस्या को देखा। स्थानीय पार्टी और विधायिका ने यहां पर कई काम अधूरे छोड़ रखे हैं। जनता के बीच में समस्या का अंबार पड़ा है। मैं यही आशा और विश्वास करता हूं कि पब्लिक की समस्याओं का निवारण करूंगा और जो भी रुके हुए काम है उन्हें पूरे करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। विकास शर्मा, प्रत्याशी भारत वाहिनी पार्टी सुरसागर। भारतीय जनता पार्टी पूर्व चुनाव लड़ने के सारे उम्मीदवार जो उस समय प्रत्याशी के तौर पर थे वो यहाँ है। साथ ही जेडीए के चेयरमैन आदरणीय महेंद्र सिंह जी राठौड़, साथ ही मेघराज जी लोया एवं महेंद्र जी जाबक, हमारे जिला अध्यक्ष जी देवेंद्र जी जोशी, सबके सानिध्य में भगवान की शपथ लेके फॉर्म जमा करवाया है और आशा करता हूं कि इस बार सरदारपुरा से भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर निश्चित रूप से कमल के फूल को खिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो ये टिकट सरदारपुरा में दिया है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बल पर हम भारी बहुमत से तीनों सीटें जीतेंगे। आपके सामने नॉमिनेशन करेंगे तो किस तरह की रणनीति पर आप काम करेंगे? नॉमिनेशन अशोक गहलोत भरेंगे और कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो जब चुनाव लड़ने का मानस बनाया उस समय सोच रहे थे कि अशोक गहलोत ही हमारे सामने, और पिछली दफे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री होते हुए पूरे सरकार का उनके साथ समर्थन था और आप सबके द्वारा पूरे राजस्थान के नहीं भारतवर्ष की जनता को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी को जिताने के लिए कितने गलत कार्य हुए हैं और उन कार्यों की एसीबी जो इंक्वायरी कर रही है और संबंधित लोग महीनों तक अंदर जेल में रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रूफ आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। ये सब अशोक जी गहलोत को जिताने के लिए काम थे। इस बार जेडीए के चेयरमैन, राजस्थान के सबसे मजबूत आदमी प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, जो अपने आप में बहुत ही सक्षम आदमी है, ईमानदारी उनके बराबर किसी की है ही नहीं। उन्होंने पूरे जोधपुर में जो विकास का काम किया है वो सबको, 36 कौम को एक समान देखते हुए सबका विकास सबका साथ उसको उस मित्र को सोचते हुए किया है और उस विकास के मुद्दे पे हम निश्चित रूप से जोधपुर की तीनों सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।